नमस्कार दोस्तों, YouTube के अमित साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 3 है जो केमिस्ट्री का है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सेट नंबर 3 जो 61 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसा पौधे किस प्राणी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? प्राणी हो जाएगा तो हो जाएगा उत्तक संवर्धन तकनीक से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्त कलिता किस प्रभावित करती है? फूल खिलने से। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 वर्गों में किया गया है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो प्रसरण दबाव से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं किस से? सिरोसिस से। जब दो परमाणुओं के बीच अबंध बनता है तो प्राणी समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? घटती है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है पीतल। फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रक्रिया करेगा? SCHO। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर किसके द्वारा रखा जाता है? तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो पृष्ठ तनाव। रसोई की गैस का मिश्रण है क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं कौन सा? बोरान और कैडमियम। शक्करा और मऊ के विणवन से प्राप्त होता है एथेनॉल। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो कार्बोनिक एसिड। तरल ब्लीचिंग का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुक्त किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। एरोसॉल का उदाहरण है धुआं। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? तो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस द्वारा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि हड्डी। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है? रक्त। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 80 भी होता है और सॉरी 120 दिन 100 से 120 दिन होता है। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? थायराइड की अति सक्रियता द्वारा। मछली एक एयर ब्लड वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थिक अंग दोनों। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एथोलॉजी। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46। ट्यूबर कुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। लॉक जा किस रोग का की अंतिम अवस्था है? टिटनस। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।